रोड पर आई हूँ। इस मानसून में वहाँ पर मैं आ नहीं पाई थी, पर पोस्ट मानसून में मैं यहाँ पर विजिट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आए हैं फ्लावर्स जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने वाली हूँ या फिर एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। आज तक मैंने किसी भी फोर्ट पर एक्सप्लोर नहीं किए हैं फ्लावर्स। हम नॉर्मली ग्राउंड पर देखते हैं, पर फोर्ट पर मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं आप सबके साथ ये सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो नक्की कर देना। तो चलते हैं आगे, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर हाईवे है पीछे, वहाँ पर जस्ट हमें अभी बस ने ड्रॉप किया है और मैंने सिर्फ ये छोटा सा पैच है यहाँ पर वो वाला सिर्फ अभी क्लाइम किया है। उसके बाद चलते हैं आगे और मैं आपको आगे बताती हूँ कि आप यहाँ पर बाय लोकल ट्रांसपोर्ट से कैसे आ सकते हो और यहाँ के बारे में सारी जानकारी और फ्लावर का एक्सपीरियंस। इस वक्त बज रहे हैं 10 और मैं अपना ट्रैक स्टार्ट कर रही हूँ। अभी देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा हमें ऊपर पहुँचने के लिए, फिर मैं आपको सारी जो टाइमिंग है वो सब आगे बताती हूँ। और अभी मानसून चले गए तो आप सबको पता ही है कि अभी धूप आना चालू हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो 10 बज रहे। थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे आने के लिए रेगुलरली, मतलब नॉर्मली थोड़ा जल्दी मैं ट्रैक स्टार्ट करती हूँ, पर इस बार थोड़े बस का थोड़ा सा इशू था तो इसे थोड़ा सा लेट हो गया, पर ठीक है चलते हैं। बस ऊपर जाके अच्छे से व्यू देखने मिले, मेरे लिए फ़िलहाल तो यही मैटर करता है। और आप सबको पता ही होगा कि पोस्ट मानसून में एक चीज़ बहुत अच्छे से देखने मिलती है जो कि है व्यू। आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरी माउंटेन रेंज हमें यहाँ से विटनेस करने मिल रही है, पर मॉनसून में मोस्टली फॉग होने की वजह से हम विटनेस नहीं कर पाते। यहाँ पर जस्ट मुझे अभी फोर्ट का बहुत ही सुंदर व्यू देखने मिल रहा है और जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ फ्लावर्स देखने के लिए वो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये सामने फोर्ट और ये है वो सारे फ्लावर्स। नीचे अगर इतने ज़्यादा फ्लावर्स है तो ऊपर कितने रहेंगे, अभी ऊपर भी देखते हैं हमें कैसा एक्सपीरियंस करने मिलेगा। तो अभी यहाँ पर छोटी सी नदी है, आई थिंक छोटा सा वाटरफॉल था यहाँ पर अभी बारिश चली गई है तो यहाँ पर छोटा सा नदी बन गई है एकदम पानी की। इसे पार करते हैं फिर चलते आगे। तो अभी हमने ये छोटा सा वाटरफॉल है वो पार कर लिया है। अगर आप सबने मेरा लास्ट वीडियो देखा रहेगा तो उसमें मैंने शायद आपको छोटे छोटे येलो कलर के ना फ्लावर्स दिखाए थे, पर वो उस टाइम पे खिले नहीं थे, पर वो एक्चुअली यही वाले फ्लावर्स है, बस वो खिले हुए नहीं थे। यहाँ पर वो सारे फ्लावर्स खिले हुए इसलिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। वैसे वो फ्लावर्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखना, वो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। चलते आगे। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अभी तक ये सेकंड स्टॉल है, पर ये स्टॉल भी बंद है, फर्स्ट वाला स्टॉल भी बंद ही था। देखते हैं यहाँ पर कोई स्टॉल ओपन है क्या। जब हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था वहाँ पर नीचे मेन रोड पे एक स्टॉल था, उसके बाद अभी तक कोई स्टॉल ओपन नहीं देखने मिला है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है थर्ड स्टॉल जो हमने स्टार्टिंग से भी मिला है मुझे, ये तीसरे नंबर का स्टॉल है और ये ओपन है। इससे पहले वाले दो ओपन नहीं थे। और अभी ये जो हम रूट फॉलो कर रहे थे ना, यहाँ पर इस रूट पे थोड़ा सा पानी आ रहा है, आई थिंक किसी झरने का वगैरह होगा। अभी जस्ट वो जो जिस रास्ते पे पानी, मतलब जिस रूट पे पानी आ रहा था वो वाला रूट ख़त्म हो गया और यहाँ से ही ये दोनों साइड में मतलब पौधे हैं और पूरा ग्रीन कलर का, और बीच में से छोटा सा रास्ता गया है, ये वाला रूट अभी आया है। और एग्जैक्टली राइट साइड में मेरे फोर्ट है, पर अभी यहाँ पर इतने सारे पेड़ है कि वो देखने नहीं मिल रहा है हमें यहाँ से। और इस वक्त बज रहे हैं
10:51, अभी देखते हैं कि और हमें कितना टाइम लगेगा। और अभी मैंने ये वाला ट्रेल पार किया है, ये पेड़ों वाला, और इसके बाद हमें यहाँ पर ये पर्पल कलर के फ्लावर्स देखने मिले, जो कहते हैं कि 12 साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं। अब आई थिंक पता नहीं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था कि नहीं, तो हरिश्चंद्रगढ़ पर लास्ट टाइम जो फ्लावर्स आए थे और रतनगढ़ पर 12 साल बाद आए थे, और ये सेम फ्लावर का पेड़ यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। ये है मेन रूट जो ट्रैक का है, पर यहाँ से एक छोटा सा रास्ता निकला है छोटा सा, तो मैं ये वाले रूट से जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक मस्त व्यू पॉइंट है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। और ये व्यू है कोरीगढ़ फोर्ट का, और कोरीगढ़ फोर्ट को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोहगढ़, टिकोना, विसापुर, तुंग इस फोर्ट के साथ 1657 में अपने राज्य में शामिल कर लिया था। एक्चुअली कोरीगढ़ फोर्ट को कब बिल्ड किया गया था वो एक्चुअली किसी को भी नहीं पता है, पर कोरीगढ़ फोर्ट को कोराईगढ़, कुंवारीगढ़ और कुंवारीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अभी यहाँ से मुझे जो फोर्ट की तटबंदी है वो यहाँ से मुझे देखने मिल रही है, पर आपको शायद नहीं दिखेगी क्योंकि बहुत सारे पेड़ है उसके बीच में से छोटे छोटे तटबंदी दिख रहे हैं। अभी जहाँ पर ओपन एरिया आएगा ना, मैं आपको तटबंदी का व्यू दिखाती हूँ, फोर्ट का व्यू दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा मजबूत दिख रहा है यहाँ से मुझे। फाइनली हमने ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 घंटा ट्रैक किया, 1 घंटे का बिल्कुल भी ट्रैक नहीं है ये, पर मैं वीडियोस निकालते हुए, फोटोज़ निकालते हुए आ रही हूँ, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, मतलब मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ, पर एक्चुअली आप ये आराम से 1 घंटे में पूरा ट्रैक कर लोगे। तो अभी यहाँ पर मैं 2 बार रुकी भी थी और फाइनली हम पहुँच चुके हैं सीढ़ी वाले पार्ट पर। अगर आप यहाँ पर मानसून में आते हो ना, तो जैसे मैंने आपको विसापुर फोर्ट में सीढ़ियाँ दिखाई थी जहाँ पर पानी बहता है, सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा ही व्यू आपको देखने मिलेगा। पर अगर बारिश रहेगी तो आप यहाँ पर इन सीढ़ियों पे पानी बहता हुआ विटनेस कर सकते हो, पर अगर अभी नेक्स्ट ईयर बारिश आएगी तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करना। और अगर आप ऐसे ही फ्लावर वाला सीज़न इंजॉय करना चाहते हो जो इसी मंथ और अक्टूबर का मिड में है, तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करना। तो चलते सीढ़ी वाला पैच हम कम्प्लीट करते हैं। तो ये सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बीच में धूप है, बीच में छाव है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पर बड़ा सा पेड़ है, आई थिंक आम का पेड़ है ये। मैं सोची थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँ, आराम करूँ, फिर आगे चलूँ। तो चलते आगे। मैं सीढ़ियों के मिड वाले पार्ट में आ चुकी हूँ और यहाँ से मुझे बहुत ही सुंदर व्यू देखने मिल रहा है। एक्चुअली पता नहीं कि वो डैम है, वो नदी है, क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप लोगों को अगर पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक्चुअली जो मैं यहाँ से विटनेस कर रही हूँ अभी वो एक्चुअली क्या है। तो अगर आप सब लोगों को पता है तो कमेंट ज़रूर करना। अभी चल रही हूँ आगे कि स्टेयर से क्लाइंब कर रही हूँ। Thank you.
तो अभी जस्ट हम आए और यहाँ पर है गणपति बापा जी का मंदिर, और यहाँ से फिर से स्टार्ट हो रही है सीढ़ियाँ। गणपति बापा जी के मंदिर में मैंने दर्शन कर लिए हैं, तो अभी चलते आगे और देखते हैं कि अभी और हमें कैसा व्यू देखने मिलेगा। अभी यहाँ पर फोर्ट की तटबंदी हमें देखना बंद हो गई है क्योंकि हम ऑलमोस्ट फोर्ट पे पहुँचने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर येलो फ्लावर्स हमने नीचे देखे, हमने पर्पल कलर के फ्लावर्स देखे, अभी यहाँ पर पिंक कलर के फ्लावर्स है और हर जगह है, हर जगह। अभी मैं आ चुकी एक व्यू पॉइंट पे और मैं फाइनली फोर्ट पे पहुंचने वाली हूँ। बहुत ही कम टाइम बचा है और यहाँ से हमें ये सारे फ्लावर्स देखने मिल रहे हैं और नीचे वो सारे स्टेयर जहाँ से भी मैं आई हूँ क्लाइम करके, वहाँ पर एक केव है जहाँ पर पानी है और ये ऊपर जाती है सीढ़ियाँ। अभी उस व्यू पॉइंट से मैं आगे बढ़ रही हूँ और अभी मैं आप सबको डायरेक्ट फोर्ट में एंट्री लेते हुए मिलूंगी। तो अभी मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ गणेश दरवाजा, जो कोरीगढ़ फोर्ट का मेन प्रवेश द्वार है, और एग्जैक्टली 11:30 बजे मैं फोर्ट के टॉप पर पहुंच चुकी हूँ। तो यहाँ पर मुझे वीडियोस एंड फोटोज निकालते हुए 1.5 आवर लगा, पर अगर आप नॉर्मली ट्रैक करके आ रहे हो तो आप यहाँ पर 1 घंटे में आराम से पहुँच सकते हो। जो मैंने सोचा था कि कोरीगढ़ फोर्ट पे फ्लावर्स आए हैं, सच में जो मैंने अभी रास्ते में आपको पिंक कलर के फ्लावर्स दिखा रही थी वो है येलो फ्लावर्स है, और पूरी घासी घास एकदम ग्रीन कलर की, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड मैं मॉनसून में यहाँ पे नहीं आई, अब भी आ रही हूँ। अगर मैं मानसून में आती तो शायद मुझे भी देखने मिलता ही नहीं यहाँ पर। आप भी मेरे पीछे देख सकते हो, हवा घास हिल रही है, येलो फ्लावर्स आगे बहुत है और यहाँ पर पिंक कलर के फ्लावर्स है। लुक एट दिस। तो ऊपर तो आ गई हूँ और जहाँ देखूँ वहाँ पिंक, जहाँ देखूँ वहाँ येलो। आप मेरे पीछे देख लो, आप मेरे पीछे देख लो, यहाँ पर येलो कलर है, यहाँ पर येलो कलर है, वहाँ पर पिंक है, यहाँ येलो पिंक, पूरा पूरा फोर्ट एकदम येलो और पिंक फ्लावर से भर चुका है। यहाँ पर मंदिर भी है, तटबंदी, हम सब एक्सप्लोर करेंगे, पर पहले मैं ये फूलों का आप सबको व्यू दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब एक थोड़ा सा आगे बढ़ो तो आपको दूसरा फोर्ट का पार्ट कोई देखने मिलता है, फिर वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स देखने मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। फूलों के पार्ट से थोड़ा आगे आने के बाद मुझे यहाँ पर देखने मिला है कोरियाई मंदिर, जहाँ पर अभी हम चलेंगे और दर्शन करेंगे। जस्ट मैंने मंदिर में दर्शन कर लिए, अभी चलते आगे और आगे का पार्ट एक्सप्लोर करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये मंदिर, मैंने दर्शन कर लिए यहाँ पर और अभी चलते आगे, और उसको जाने के लिए यहाँ से रास्ता है।
वहाँ पर भी बहुत सारे फ्लावर्स है और पूरी तटबंदी लगी हुई है, तब चलेंगे वहाँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो येलो फ्लावर्स, ये बहुत सुंदर है और सामने व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर एक तोफ है और वहाँ पर एक बुरुज है। और मैं थोड़ी देर पहले वहाँ पर थी, मैं कोरीगढ़ देवी का मंदिर, फिर मैं वहाँ वाले स्टेयर से उतर के फिर मैं यहाँ आई हूँ जहाँ पर ये येलो फ्लावर्स है, हवा चल रही है और मेरे पीछे है तोफ। मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठती हूँ फिर आगे जाती हूँ। आगे वहाँ पर महादेव का मंदिर है, तो शिवजी के मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं। वहाँ पर भी बहुत बड़ी तटबंदी है, वहाँ पर भी व्यू एंजॉय करते हैं और उस तरफ भी बहुत सारे फ्लावर्स है, तालाब है, तो वो भी सब एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी यहाँ पर धूप बहुत बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा है, तो मैंने अपनी दूसरी कैप निकाल दी है और वही पहन के बैठी हूँ। पर ये व्यू बहुत अच्छा है। और ये सामने पूरी माउंटेन रेंज है मेरे, और अब ये देख सकते हो पूरा येलो फ्लावर्स से एकदम कवर हो चुकी है जगह। अभी चलते हैं वहाँ पर शिवजी का मंदिर, वहाँ दर्शन करते हैं, बाकी का फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। मैं आप सबको दिखा रही हूँ और यहाँ पर कितने ज़्यादा फ्लावर्स है। लुक एट दिस। अभी मैं जा रही थी शिवजी के मंदिर में और आप यहाँ पर, मैंने वहाँ पर आपको फ्लावर्स दिखाए, पर ये एक सेंटर पार्ट है फोर्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्लावर, फिर आप पूरे फोर्ट पर सिर्फ येलो फ्लावर्स भरे हुए हैं। और ये पार्ट इस फोर्ट का और इस वीडियो का मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला है। छोटा सा शिव जी का शिवलिंग है, वहाँ पर है मंदिर और ये है दो बड़े बड़े लेक और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। तो वहाँ पर चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर हम चलेंगे शिव जी के मंदिर में। ये जो मंदिर है वो है हनुमान जी का मंदिर, चलते हैं दर्शन करते हैं। और यहाँ पर जाने के लिए सीढ़ी है, चलते हैं दर्शन करते हैं। तो अभी जस्ट मैं हनुमान मंदिर से बाहर आ गई, दर्शन कर लिया, अभी थोड़ा सा लेक के यहाँ पर चलते हैं, फिर चलेंगे शिव जी के मंदिर में। ये है शिव जी का मंदिर जिसके बाहर आपको यहाँ पर तोफ भी देखने मिलेंगे। और मंदिर में दर्शन करके अभी मैं आगे जा रही हूँ तटबंदी वाला पार्ट एक्सप्लोर करने के लिए।
और ये तटबंदी एक्सप्लोर करते हुए मैं आप सबको बताती हूँ कि आप यहाँ पर बाय लोकल ट्रांसपोर्ट कैसे आ सकते हो। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ पर बाय लोकल ट्रांसपोर्ट कैसे आ सकते हो ये खूबसूरत व्यू के साथ। और यहाँ पर आप आ सकते हो बाय लोकल। सबसे पहले आपको आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से लोनावला या फिर पुणे जाने वाली कोई भी ट्रेन लेनी है जो आपको ड्रॉप कर देगी लोनावला, और आपको लोनावला उतर के 10 मिनट वॉक करना है। उसके बाद आपको आना है लोनावला एसटी स्टैंड पे, उसके बाद आपको बस पकड़नी है और वो बस वाले को आप बोल सकते हो आराम से कि आपको कोरीगढ़ जाना है, वो आपको एग्जैक्टली जो आपका बेस पॉइंट है ट्रैक का वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। अभी मैंने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, महादेव मंदिर में दर्शन कर लिए, लेक साइड भी देख लिया है और हमने थोड़ी सी तटबंदी भी एक्सप्लोर कर ली है। पीछे एकदम लास्ट में बुरुज है, वहाँ पर मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। जो मेरी बस का टाइमिंग है जाने का रिटर्न, वो है 2:40 का। मैंने कंडक्टर अंकल से पूछा था, उन्होंने बोला था 2:40 लास्ट बस रहती है, तो वो मिस हो जाएगी तो फिर बाद में फिर 200 रुपये लगते हैं पर पर्सन लोनावला जाने के लिए, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज अ लोकल ट्रांसपोर्ट ट्रैवल क्रिएटर। तो मैं तो नहीं जा रही वहाँ पर। मेरे को फ्लावर वाला पार्ट एक्सप्लोर करना था, मैंने कर लिया है और मैंने मंदिर में भी दर्शन कर लिए हैं, मैंने लेक साइड भी एक्सप्लोर कर लिया है, मैंने फ्लावर वाला पार्ट भी एक्सप्लोर कर लिया है। अगर आप आ रहे हो तो आप पूरा फोर्ट अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी मैंने कोरीगढ़ अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है और मेरा फर्स्ट टाइम किसी फोर्ट पर इतने सारे फ्लावर्स देखने का लाइक ड्रीम या फिर पहला एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है। और आप सब लोग को ये कैसा लगा, कि आप लोग को पता था कि कोरीगढ़ पे भी ऐसे कुछ फ्लावर्स आते हैं या आपने कभी विजिट किया है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो नक्की करना। मैं आप सबको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सी यू ऑन नेक्स्ट संडे।